What's up guys, and welcome to another video. And in this video I'm going to tell you the problem faced by Royal Enfield owners. So let's start with the first problem. So guys, pehli problem isme ye aati hai Thunderbird 350X mein. Jab aap isko start karte hain to jab aap isko speed mein chalate hain to aapko vibrations bahut mehsoos hoti hai. Jaise ki aap dekh sakte hain, aap handle kitna zyada hil raha hai, ye dekhiye. ये थी इसकी पहली प्रॉब्लम. और कई बार हम बहुत स्पीड में होते हैं तो हाथों में फिर ऐसे दर्द सा भी शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है. तो अब दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ इसकी. सो गाइस, इसकी दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई, इसकी एसेसरीज जब तक इसकी एसेसरीज मेरे को नहीं मिली थी तो इसमें पता नहीं कोई मैंने कहीं ठोक दिया जो भी करा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डेंट आ गया है, ये देखिए. और बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेंट है ये, देखिए आपको मैं क्लोज़अप करके दिखाता हूँ. तो ये इसका डेंट आ गया था, हमने इसकी एसेसरीज़ नहीं लगवाई थी उस वक्त. और तीसरा, मैंने ये सुना है कि मेरे कमेंट्स में यूट्यूब के कुछ इसकी कमेंट्स में ये आ रहा था कि लेग गार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है नहीं. तो मेरे हिसाब से लेग गार्ड में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इससे उल्टा हेल्प होती है आप लोगों की. गाइस, इसकी एक प्रॉब्लम और है थंडरबर्ड 350X की, और वो ये है कि जो पीछे बैठेगा वो थोड़ा सा फिर अगर छटका लगा तो नीचे गिरने के भी पूरे पूरे चांसेस है, कोई रोक नहीं सकता उसे. और जैसे आप देख सकते हैं, सीट आगे वाले बंदे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उसने ज़रा सा ऐसे तेज़ कर दी स्कूटी तो पीछे वाला कभी भी गिर सकता है. उसकी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं गिरेगा, आप सीट देख सकते हैं. So let us move to another problem we face in Royal Enfield, and that is कई लोगों को Royal Enfield चाहिए उस काम के लिए होती है जो आपने देखा होगा, जिनकी आवाज़ कुछ ऐसी सी होती है. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो Royal Enfield Thunderbird 350X है उसकी आवाज़ आपको मैं कई अपनी वीडियोज़ में वैसे तो दिखा चुका हूँ, और बाकी आप फिर से सुन सकते हैं. उसकी आवाज़ कुछ ऐसी सी है, उसकी बिल्कुल वैसी आवाज़ नहीं है जैसी आप पुरानी रॉयल एनफील्ड बुलेट में देखते आए हैं, उसकी ऐसी आवाज़ नहीं है. और इसकी एक अनदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कई बारी आप अगर शॉर्ट्स में इसको चलाते हैं और चप्पल पहने हुए होते हैं तो आपका इसके साइलेंसर पर पैर लगता है, और आपका पैर बहुत जल्दी फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो ये मैं वो बता रहा हूँ जो मैं फेस कर चुका हूँ अपनी रॉयल एनफील्ड के साथ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में. तो उसको अगर आप शॉर्ट्स में चलाएंगे तो मेरे पैर में मेरे बड़ी ज़ोर का पैर जला था और अभी तक निशान है. और ऐसे ही अगर इसको जीन्स या शूज़ में चलाएँगे तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको ज़्यादा लगेगा गर्म, वो हर रॉयल एनफील्ड में लगेगा, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे थंडरबर्ड हो, चाहे कोई हो. सो अनदर प्रॉब्लम इज़ इफ यू विल टॉक अबाउट एवरेज ऑफ रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड की जो एवरेज होती है वो जितनी वो बताते हैं उतनी बिल्कुल नहीं होती. देखिए, कई लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं हमारी बाइक की अच्छी है, हमारी बाइक की अच्छी है, आप झूठ बोल रहे हो, जो भी है. लेकिन मैं आपको अपना थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूँ जो रॉयल एनफील्ड की बताते हैं. मैंने कई लोगों से पता करा था ये पहले, जब मैं रॉयल एनफील्ड लेने गया था तो उन्होंने मेरे को ये बात बताई. इनफैक्ट शोरूम वालों ने भी मेरे को ये कहा कि थोड़ी ऊपर नीचे तो हो जाती है, तो उनका मतलब आप समझ जाइए क्या ऊपर नीचे फिर एवरेज में कितना फ़र्क पड़ जाता है. तो रॉयल एनफील्ड की एवरेज जितनी बताते हैं उतनी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई नहीं होती, और मेरी वाली की तो है भी नहीं इतनी. तो बाकी अगर हम बात करें इसकी कुछ एडवांटेजेस की, तो देखिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें सिर्फ डिसएडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ही होंगे. एडवांटेजेस भी इसके बहुत है, जो मैं आपको अपनी पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ, और इसका मैं आपको पूरा रिव्यू भी दिखा चुका हूँ. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा. प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल की काफ़ी टाइम से ग्रोथ नहीं हो रही है, उल्टा व्यूज़ जो है वो बहुत डाउन हो गए हैं. तो अच्छा नहीं लगता यार, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, और एक साल हो गया मेरे को भी वीडियोज़ बनाते बनाते. अगर आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो और गिव अवे ज़्यादा से ज़्यादा रख सकूँ मैं. सो गाइस, ये इसकी
डिसएडवांटेजेस जो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछी गई थी लोगों से, तो अब इसमें सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही नहीं है, इसमें एडवांटेजेस जो है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। और हालांकि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बता भी रखी है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो कि इसमें कोई आपको कोई कमी रह गई हो मेरी वीडियो में, तो आप क्वेश्चन वो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट, अपना कोई भी डाउट हो इस बाइक को रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर मैं इस बाइक के बारे में बात करूँ, तो पहले मैं लेने गया था थंडरबर्ड और क्लासिक, मैं इन दोनों के बीच में से कोई ले रहा था, लेकिन फिर क्लासिक बहुत ज़्यादा मैंने देखी कि हर कोई अब क्लासिक ले रहा है, तो फिर मेरा मन नहीं करा क्लासिक लेने का। हालांकि क्लासिक अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरे को थंडरबर्ड 350X अच्छी लगी। और जहाँ तक बात है, ये एक तो नया मॉडल था तो लोगों ने भी कम देखा था, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने जो टेकिंग डिलीवरी वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, वो अभी भी थोड़ा बहुत चल रही है, व्यूज़ उस पर आ रहे हैं। तो बस इस वीडियो को भी ऐसे प्यार दीजिए, और बाकी आप लोगों को अगर कोई डाउट हो इस बाइक से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।